हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है, अगर आप वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और आपका जो वाईफाई नेटवर्क है आपके फ़ोन में कनेक्ट होने के बाद भी आपके फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस नहीं आता है तो जो इंटरनेट एक्सेस है इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और साथ में जैसे वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको यहाँ से जाना होगा सेटिंग्स आइकन पर, क्लिक करते जो फ़ोन की सेटिंग्स है आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा तो इंटरनेट एक्सेस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और वाईफाई की जो नेट प्रॉब्लम है उसको भी कैसे ठीक कर पाएंगे, सिंपली आपको यहाँ से जाना होगा नेटवर्क इंटरनेट पे। तो इसको ओपन करना है, हम पहले चेक करेंगे आपका जो वाईफाई नेटवर्क है आपके फ़ोन में चलता है कि नहीं। तो पहले तो हम कोई भी एक वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कनेक्ट कर लिया, इसने ही कनेक्ट कर लिया तो आपके फ़ोन में ये सेटिंग्स आ रही है। तो आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में ये जो इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा है इसमें कुछ आपके प्राइवेट DNS कुछ सेटिंग्स आ रही है, इसमें एक्सेस एक्यूसिट लिखा हुआ है, नॉट कनेक्टेड वे एक्यूसिट, तो आपके फ़ोन में इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो सिंपली आपको जाना होगा प्राइवेट DNS पे। जब प्राइवेट DNS सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ से भी अपने फ़ोन के जो मतलब जो भी इंटरनेट एक्सेस की सेटिंग्स है उसको ठीक कर सकते हैं। इसको आपको ऑटोमेटिक पे सेव कर देना है तो जो आपके इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, जो इंटरनेट आपके फ़ोन में सही तरीके से चल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इंटरनेट एक्सेस को ऑफ कर सकते हैं, जो भी आपका वाईफाई नेटवर्क आपके फ़ोन में सही तरीके से चलने लगेगा। और यहाँ से भी ऐसे आपका ठीक नहीं होता है तो आपको जाना है सेटिंग्स पे, रीसेट ऑप्शंस पे जाकर जो भी आपकी इंटरनेट सेटिंग्स होती है उसको आप यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही जो भी आपके इंटरनेट की नॉट एक्सेस प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में ठीक हो जाएगी। देख सकते हैं कि जो भी नॉट एक्सेस प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में ठीक हो जाएगी और जो इंटरनेट आपके फ़ोन में चलने लगेगा, देख सकते हैं कि इंटरनेट आपके फ़ोन में चलने लगा होगा। और साथ में जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन भी शो करेगा इस तरीके से। जैसे हमने इसको कनेक्ट कर लिया और देखते हैं कि जो इसके इंटरनेट नेटवर्क हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, आपका इंटरनेट नेटवर्क जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।